सो हम हिटरोट्रॉफिक प्लांट्स की बात कर रहे थे। हिटरोट्रॉफिक प्लांट्स में हमने दो कैटेगरी पढ़ ली थी, हमने चार कैटेगरी पढ़नी थी हिटरोट्रॉफिक प्लांट्स में। हिटरोट्रॉफ्स क्या होते थे? जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं होते। ओके, तो उसमें हमने पैरासिटिक प्लांट्स और सेप्रोफिटिक प्लांट्स की बात कर ली थी। अब थर्ड कैटेगरी हम प्लांट्स की पढ़ेंगे, सिम्बायोटिक प्लांट्स। दीज आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड शेयर देयर फूड मटेरियल। ये जो प्लांट्स होते हैं दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं और फूड मटेरियल को शेयर करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। वन ऑफ द प्लांट्स ऑफ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज ऑटोट्रॉफ एंड दस प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड अदर प्लांट्स गेट इट्स फूड फ्रॉम द पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि जो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या दो प्लांट है, उसमें से जो एक प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ होगा ही होगा, यानी कि एक प्लांट ग्रीन होगा, वो सनलाइट और जो भी फोटोसिंथेसिस की कंडीशन होती है उनको यूज़ करके क्या करेगा, खाना बनाएगा। और जो दूसरा प्लांट होगा वो क्या करेगा, ऑटोट्रॉफिक प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, ठीक है, और बदले में ये भी कुछ उसे प्रोवाइड करेगा। तो एग्जांपल से समझते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यानी कि लाइकेन दो प्लांट से मिलकर बना, एल्गी से और फंजाई से, ठीक है। तो जो एल्गी होता है वो क्या करता है, वो ग्रीन होता है, वो फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए, फंजाई के लिए, ठीक है। यानी कि एल्गी और फंजाई में खाना कौन बनाता है, एल्गी बनाता है और उस खाने को यूज़ करता है फंजाई, ठीक है। और फंजाई बदले में उसको क्या देता है, एल्गी को, वो उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब कि रहने की जगह देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है, ठीक है ना। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में यही होता है, सिंपल सी बात है, दो प्लांट है, एक प्लांट खाना बना रहा है और दूसरा उसे बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, वो घर हो सकता है, मतलब शेल्टर हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, लास्ट कैटेगरी है हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स में, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्टिवरस प्लांट्स, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते होंगे। दीज आर द प्लांट्स दैट फीड ऑन द इंसेक्ट्स विच आर ट्रैप्ड विद इन देयर लीव्स। तो ये वो प्लांट्स हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं, फीड करते हैं। और कैसे फीड करते हैं, उनको अपनी लीव्स में क्या कर देते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ओके, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, द सॉइल वेयर दे ग्रो डजंट हैव इनफ न्यूट्रिएंट्स, सो दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बॉडी। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जिस मिट्टी में ग्रो करते हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट की बॉडी में से। ओके, अब ये इंसेक्ट्स खाते हैं, किसी दूसरे जीव को खा रहे हैं, तो इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो है क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, कि ये जो फूल, जो ये पेड़ होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये दिखने, इनके जो फूल और पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन किस तरह का, कि जो इंसेक्ट्स है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, यानी कि ये इसमें ब्राइट कलर के फ्लावर्स होंगे, ठीक है, दिखने में सुंदर होगा, तभी तो इंसेक्ट वहाँ पर आएगा, ठीक है ना। देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इन सेवरल वेज फॉर ट्रैपिंग इंसेक्ट्स। तो जो इनकी लीव्स हैं उनमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है ताकि इंसेक्ट्स को ईजिली ट्रैप कर सके। और ये जो इंसेक्ट्स ट्रैप हुए हैं, फिर ये वहाँ पे इसको क्या कर देगा, प्लांट जो है किल कर देगा, और उसमें से क्या करेगा, इंसेक्ट की बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करेगा, सक कर लेगा। द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर किल्ड बाय दीज प्लांट्स एंड द न्यूट्रिएंट्स ऑफ इंसेक्ट्स बॉडीज आर सक्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है। तो एग्जांपल की बात करें, इंसेक्टिवरस प्लांट्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, पिचर प्लांट, संड्यू प्लांट, ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये क्या है, ये प्लांट्स के नेम हैं। ये कैसे प्लांट्स हैं, ये इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, मतलब ये अपना न्यूट्रिएंट जो है इंसेक्ट्स की बॉडी से क्या करते हैं, सक करते हैं। तो आप इन प्लांट्स की एक बार जो पिक्चर है गूगल पे सर्च करिएगा, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप ज़रूर देखना।